मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर के सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा में स्कूल के बच्चे, कम से कम 10 से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चे ऑटो रिक्शा में बैठकर चल रहे थे। हालांकि दारुल फला मस्जिद के पास में करीब 5 से 4 स्कूल के बच्चों को इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 5 से 6 बच्चे जो है इस ऑटो रिक्शा में बैठे थे और वहाँ से अमृतनगर की तरफ चले गए हैं। एक ऑटो रिक्शा में 10 से भी ज़्यादा स्कूल के बच्चे एक के ऊपर एक बैठकर सफ़र कर रहे थे। अगर हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मुंब्रा ट्रैफिक विभाग को भी ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो अपने साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी जान मुसीबत में डाल रहे हैं। जिस ऑटो रिक्शा में ये 10 से भी ज़्यादा बच्चे बैठकर चल रहे थे, उस ऑटो रिक्शा का नंबर है MH04JH3855। ये तस्वीरें आज दोपहर के करीब 1:30 बजे के आसपास की हैं। ये रिक्शा जो है शिमला पार्क की तरफ से अमृतनगर की तरफ जा रहा था और रिक्शे में करीब 10 से भी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। दारुल फला मस्जिद के पास करीब 5 से 6 बच्चों को इसने उतारा और उसके बावजूद भी इस ऑटो रिक्शा में 5 से 6 बच्चे और बैठे थे जो आगे की तरफ चले गए। गनीमत ये रही कि इनके साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई। हालांकि ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इतने संख्या में ऑटो रिक्शा में वो भी एक के ऊपर एक ना बिठाएं। ऐसे में अगर हादसा होता है तो ऑटो रिक्शा तो क्षतिग्रस्त होगा ही, लेकिन बच्चे जो है उनकी भी जान जा सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मुंब्रा ट्रैफिक विभाग क्या इस जो स्कूल के बच्चों को ऑटो रिक्शा में भरकर ये ड्राइवर लेकर जा रहा था, क्या इसके ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं। कितने लोगों को बिठाया है? कितने लोगों को बिठाया है इसमें? इसमें कितने लोगों को बिठाया है? पांच लोग, बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे उधर? कितने लोग बिठाया तूने? हाँ, और अभी उतारा जो वो नहीं बैठे थे, वो मिलने आए थे मेरे सामने उतारा, सब रिकॉर्ड है इसमें। हाँ,